वालेकुम। आज मैं स्पेशल लेकर आई हूँ, स्पेशल अगवानी मटन कढ़ाई है। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम करके मैंने गोश्त जो है हाफ डन बॉयल कर लिया था। इसके बाद मैंने गोश्त डाला है और इसको मैं हल्का सा भूनूंगी, लहसुन अदरक डालूंगी। एक पाव के करीब, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास गोश्त है। मैं 2 टीस्पून जो है वो पीसी हुई हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी, जो कि 5 से 6 थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, 4-5 से 6 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं और इसको मैंने चॉपर में मैंने इसको पीस लिया था। इसमें लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, हल्दी नहीं जाएगी, ये हरी मिर्चें और ब्लैक पेपर से ही बनेगी। अफगानी कढ़ाई है, बहुत मज़े की होती है। इसके अलावा मैं गरम मसाला ले रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून। अगर आप फूटा हुआ यूज़ कर सकते हैं तो आप फूटा हुआ भी ले डाल सकती हैं इसमें। और इसके बाद अब मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। आप इसको बीफ में भी बना सकती हैं और चिकन में भी बना सकती हैं, लेकिन ज़्यादा जो कढ़ाई बनेगी वो अच्छी वो मटन में ही बनेगी। मटन मेरा बॉयल है, हाफ डन मैंने कर लिया था इसको। अब मैं इसको लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। आए मिलते हैं, इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। आए मिलते हैं 5 से 10 मिनट बाद। मैंने सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, ऑयल जब मेरा गर्म हो चुका था तो फिर मैंने इसमें हाफ डन मैंने जो मेरा गोश्त था वो मैंने इसको बॉयल कर लिया था वो मैंने इसमें डाला। 1.5 पाव के करीब मेरे पास गोश्त है, मटन का गोश्त है, इसको मैंने हाफ डन बॉयल कर लिया था। इसके बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप ली थी और 2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लेके और इसको इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लिया था। हाफ डन मेरे पास गोश्त है और मैंने इसको हल्की सी मैंने भुनाई की है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूंगी जो कि न्यू है, कुछ इस तरह से है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है मेरे पास भुना हुआ फूटा हुआ, 1.5 जो है वो ब्लैक पेपर है मेरे पास, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, सिर्फ ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर जाएगी इसमें। नमक है टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसकी और थोड़ी सी अच्छी भुनाई करूंगी और ब्राउन प्याज है मेरे पास 1 कप वो मैं इसमें शामिल करके और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूंगी। वन एंड हाफ कप ब्राउन प्याज है, इसको मैंने इसमें शामिल किया है और अब मैं इसकी भुनाई करूंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। प्याज डाल दिए मैंने, ब्राउन प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें 1 कप जो है वो मैं दही शामिल करूंगी और इसकी मैं दोबारा से भुनाई करूंगी। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। भुनाई करते हुए भी मज़ा आ रहा है। अब आज हम बना रहे हैं मटन अगवानी कढ़ाई है, इसमें पीसी हुई लाल मिर्चें, रेड चिली और हल्दी जो है वो नहीं जाएगी, सिर्फ ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर से ये मसाला बनेगा इसका और इसका टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। देखिए दही फौरन जब्स हो गई है और ऑयल ऊपर आ गया हमारा। मैं इसमें और थोड़ी सी भुनाई करूंगी। मैंने दही डाली थी 1 कप, डालते के साथ ही जो है वो हल्की सी
जूसी वो हो गई है, मिक्स हो गई है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया। अब मैं जो है वो टमाटर प्यूरी डालूंगी। अगर ऑप्शन है, अगर आप टमाटर डालना चाहें, चॉप डालना चाहें तो चॉप डालना चाहें तो आप चॉप डाल सकते हैं, और अगर टमाटर प्यूरी डालनी है, टमाटर पेस्ट डालना है तो आप वो भी डाल सकती हैं। दोनों ऑप्शन है। मैं जो डाल रही हूँ वो टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। 3 से 4 टमाटर लिए थे मैंने, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था बॉयल करने के बाद छिलका उतार के, और वो मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। मैं अब इसकी दोबारा से भुनाई करूँगी। गोश्त मेरा बिल्कुल गल गया है, तेज़ आंच पे मैं इसकी भुनाई करूँगी। अब टमाटर भी जब गल जाएंगे, तेल ऑयल ऊपर आ जाएगा मेरा, तो फिर जो है मैं इसमें साबुत धनिया कूटा हुआ भुना हुआ और कसूरी मेथी इसमें मैं शामिल करूँगी। मैंने टमाटर प्यूरी डाली थी, ये भी देखें मिक्स हो गई है। अब मैंने जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी मैं ग्रेवी रखूँगी, और इसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया डालूँगी भुना हुआ कूटा हुआ ये मेरे पास, और कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी 1 टीस्पून डालूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ग्रेवी आपको जितनी रखनी है इसको आप ग्रेवी रख लीजिएगा। ये देखिए मेरी अफगानी मटन कढ़ाई का तैयार हो गई है, मज़े की है, आप बनाइएगा। मैंने नान के साथ सर्व किया है, आप इंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।